नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तर प्रदेश में डीजीपी सुलखान सिंह द्वारा चलाए जा रहे नारी सुरक्षा जागरूकता सशक्तिकरण अभियान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां चरथावल पुलिस को एक छात्रा ने छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने छात्रा के नाम को गुप्त रखते हुए आरोपी मंचले को धर दबोच जेल भेज दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि मामला चरथावल कस्बे का है, जहां नारी सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह के आदेश पर चलाया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जहां एक और छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रा ने अपने साथ हुई बस में मंचले द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने छात्रा की जानकारी को गुप्त रखते हुए तुरंत कार्रवाई की और बस से फैजान पुत्र समीम निवासी नगला राई थाना चरथावल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये हमारे डीजीपी महोदय के आदेश पर नारी सुरक्षा सप्ताह चला। करीब 5 विद्यालयों में हमने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक किया, उनके अधिकार बताए, उन्हें कानूनी प्रावधान बताए। इसी मध्य एक बच्ची ने हमसे शिकायत की थी कि एक लड़का उसे आते जाते, कॉलेज से आते जाते परेशान करता। कल हमने उस गुंडे को पकड़ा और अपनी प्रभावी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की है और बच्चियों को बता दिया गया है गोपनीय रूप से कोई भी हमें सूचना देंगे ऐसे ही प्रभावी कार्रवाई होगी, सूचना पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, लीगल कार्रवाई तत्काल की जाएगी। सहारनपुर में समस्त गोरखा समाज की सामान्य बैठक का आयोजन कोटोड़ स्थित सोफिया हिंदी मीडियम स्कूल में किया गया। बैठक में समाज के लोगों ने भारी संख्या में प्रतिभाग करते हुए विचार विमर्श किया। वहीं बैठक का संचालन बेगम बहादुर द्वारा किया गया। बैठक में मनोज थापा, गणेश लाल सिंह, प्रेम लाल शर्मा, नारायण शर्मा आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम रसराम सिंह है, अभी पट गई हमारी जनरल मीटिंग हो रही है और सारे गोरखाली समाज के जो सहारनपुर में रहते हैं कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए और अपनी कौम के अंदर सुधार हो, मतलब पढ़ाई में, शिक्षा में भी और थोड़ा सा आगे समाज में अपना वो हैसियत बना कर रखे हमारे बच्चे, उन सबके ऊपर विचार किया जा रहा है या फिर सर्विस के अंदर कैसे कम्प्लीट किया जाए, उन सबके ऊपर जनरल मीटिंग है, पहली मीटिंग है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के आदेश पर चलाए जा रहे नारी सुरक्षा सप्ताह के चलते सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस भी विभिन्न प्रोग्राम कराकर नारी को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। तो वहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज जिले की सदर थाने की कमान एक महिला के हाथ में सौंपकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की एक पहल की गई। साथ ही बकायदा थानाध्यक्ष बनी मंजू चौहान पेशे से एक शिक्षिका है। एक दिन की थानाध्यक्ष बनी मंजू चौहान ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं मंजू चौहान को कमान बकायदा लिखा पढ़ी कर जिले के पुलिस अधीक्षक ने खुद आकर सौंपी। सदर SO की कमान संभाल रही मंजू चौहान के कॉलेज की छात्राओं को SI भी बनाया गया। वहीं मंजू चौहान ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों को पुलिस के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। जिले के SSP का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से महिला सुरक्षा की भावना समाज में फैलेगी और समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने जो समाज में उसके लिए कुछ करने के लिए सीधे सीधे नियुक्त की गई, बहुत आत्मकर्ण बनाया गया। चाहे तो आज के दिन में महिलाओं से संबंधित सारी समस्याओं को लेकर भी बालिकाओं से संबंधित उतना भी कार्य कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास करते हैं। मैं पुलिस के प्रति बहुत अच्छी भावना रखती हूँ और उसको मैं सदैव सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे कार्य करते हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर 24 घंटे काम करता है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को देना चाहिए, तो उनका भी परिवार, उनका भी घर होता है। इसलिए मैं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक सप्ताह से DGP महोदय द्वारा और शासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। उसी के तहत आज रघुपत जायसवाल इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका जो प्रिंसिपल है और 2 बच्चियों को एक थाना प्रभारी और SI के रूप में उनको बुला करके और उनको यहाँ की कार्य प्रणाली क्या है उनको दिखाया जा रहा है। संवाद, समन्वय पुलिस और जनता के बीच में इसका मेन उद्देश्य है।